आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यार कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज यार बहुत हैवी किस्म का दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है। आप लोग देख रहे हैं मैंने फुल ग्रीन शर्ट्स वगैरह पहन ली हैं, ठीक है। और अभी तकरीबन हो गए 2:30, ठीक है। पाकिस्तान और वो इंडिया का भी 3 बज रहे हैं, ठीक है। बड़ा हैवी किस्म का व्लॉग होने वाला है। अभी से आप लोगों को कहूँगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। अभी ये है कि थोड़े बहुत आप लोगों को क्लिप्स वगैरह दिखाएंगे वरना यार कॉपीराइट आ जाता है, ये सारा इशू होता है। तो अभी समी को बोलता हूँ वहाँ पे खोले लैपटॉप के ऊपर, तो वहाँ से आपको दिखाते हैं क्योंकि जो है ना ये इसकी स्क्रीन कंप्यूटर टीवी की स्क्रीन इसके ऊपर ना थोड़ी ब्लर ब्लर होती है। तो अब अभी आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान का 3 भी बज रहा है। ये देखें बस इतना सा दिखा रहा हूँ कॉपीराइट ना आ जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो फाइनली यार मैच शुरू हो गया, ठीक है। लैपटॉप के ऊपर थोड़ा लेट दिखा रहा है, टीवी के ऊपर आ गया मैच। और रोहित शर्मा और वो दूसरा क्या कहते हैं साथ उसके आ गया है ओपनर, शायद शुभम गिल होगा। और पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी करेगा, अब देखते हैं क्या बनता है। बादल भी हैं ऊपर थोड़े थोड़े, ठीक है। अभी इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। आवाज़ थोड़ी तेज़ करो, मज़ा आएगा। अभी हैवी किस्म का सीन्स होने वाला है इंशाल्लाह। हाँ ये देखें ये आ गया शुभम गिल आ गया और साथ रोहित शर्मा है। अभी देखते हैं क्या बनता है। 10, 9, 8, 7, 6 इधर आए समी, जल्दी आ इधर। तो यार पहली बॉल करा रहा है शाहीन शाह अफरीदी, ओ बड़ी जबरदस्त बॉल कराई है, यॉर्कर कराया फुल यार, बच गया अभी मतलब आउट होते होते। बहुत जबरदस्त बॉल कराई यार। गाइस यार फाइनली पहला ओवर हो गया, ठीक है। और 6 हो गए। दूसरी बॉल के ऊपर फखर जमान ने कैच ही छोड़ दिया, तकरीबन कैच था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन अगर पकड़ लेता तो क्या ही बात थी, रोहित शर्मा आउट हो जाता, वो चौका हो गया। उसके बाद 6 बन गए एक ओवर के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। दूसरा ओवर इंशाल्लाह ताला शुरू होने वाला है, बस वो शायद वो कराएगा नसीम शाह। तो अभी सारे मीडिया वाले तब बिल्कुल ना वो गर्मा गर्मी हुई है जी, एक बता रहे जी पाकिस्तान का भारत के साथ टाकर है, ये है वो है फलाना है, सही मतलब कि ना लगे हुए हैं शुगल मेले में, उनको भी खबरें मिल गई यार। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। दूसरा ओवर भी शुरू होता है ना फिर आपको बताते हैं क्या बनता है। मैच तो अभी तकरीबन 2:30 शुरू हुआ यार, 11:30 ही ख़त्म होगा। तो अभी देखते हैं क्या बनता है मैच का। अभी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, उसने करा चुका है एक नसीम शाह, बहुत ज़बरदस्त बॉल कराई है माशाल्लाह से। अभी मैच को देखते हैं और फिर जहाँ कहीं विकेट शिकेट होगी या कोई दूसरा सीन शीन होगा ना वो फिर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इस तरह तो व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बन जाएगा। तो यार फाइनली मैच शुरू हो गया। अभी ये था कि बारिश शुरू हो गई थी तो मैच रुक गया था और अभी दोबारा मैच शुरू हो गया। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करा रहा है, अभी देखते हैं क्या बनता है। इंडिया का जो है ना 4.4 ओवरों में 15 स्कोर है। और ये समी भाई देखें, समी भाई भी देख रहे हैं। समी भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा मैच का? बहुत मज़ा आ रहा है, इतने मज़े की बॉलिंग करवा रहा है भाई। मैंने पहले बताया हुआ था बाबर आजम इस बार खेलेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और हुज़ैफ़ा भाई मुझे 1000 दफ़ा कह रहे थे कि भाई इनका फेवरेट प्लेयर कोहली और इनकी इंडिया टीम। तो यार वैसी मैसी इन्होंने शर्ट पहनी है, मैं कह रहा था मुझे दे दे मैं पहन लेता हूं। वो मैसी तंग करता हूं कि कोहली है, वैसे यार अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, हमारी दुआएं हैं, ठीक है भाई। और मेरा मुकाबला है, मेरी पाकिस्तान है, चलो देखते हैं इंशाल्लाह कौन सी टीम जीती है। तो यार फाइनली आउट कर दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, क्या जबरदस्त किस्म की बॉल डाली है यार, ये क्या बात है यार, बहुत अलग किस्म का आउट कर दिया है। अहमद भाई बताएं जल्दी करें, आउट कर दिए एक खिलाड़ी पे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह इंशाल्लाह विकेट लेगा। ज़ैफ़ा भाई परेशान हो गए, ये क्या हो गया? अभी वो कोहली आ रहा है इंशाल्लाह, कोहली आ रहा है, अभी कोहली को भी आउट करेंगे। 2000 years later. यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कोहली को भी आउट कर लिए, ठीक है। और अभी दो खिलाड़ी आउट हो गए हैं तकरीबन 44 रन के ऊपर, ठीक है। और ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने यार बहुत अलग किस्म की बॉलिंग कराई हैं। अभी यह है कि हारिस रऊफ बॉलिंग करा रहा था और अभी ये है दोबारा शाहीन शाह अफरीदी का ओवर है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यार बॉलिंग करा रहे हैं माशाल्लाह। दुआ करें बस यार पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाए किसी भी तरह, बहुत हैवी किस्म का मज़ा आएगा। अभी जैसे ही आउट होते हैं ना यार गलियों से आवाज़ आती है ना, रोले की आवाज़ आती है, ओ आउट हो गया आउट हो गया। हमने भी अभी सही डाला था, तो अभी हमने खाना खा लिया, ठीक है। मैच कंटिन्यू, अभी देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या बनता है। ये अहमद भाई आ गए, अहमद भाई का भी गला खराब हो गया। अहमद भाई आपको तो अभी से खराब हो गया, ये देखें गला खराब हो गया। मुझे आज भी ट्यूशन जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। हाँ इसने ट्यूशन जाना है क्योंकि इसके पेपर जल्दी छुट्टी लेंगे। तो अभी देखते हैं कि भाई पाकिस्तान, अभी देखते हैं कि भाई क्या रन हो गए हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है, बोलेंगे कि भाई यार जल्दी छुट्टी देते हैं क्योंकि सर ने भी मैच देखना होगा, तो फिर जल्दी से ट्यूशन पढ़ के आ जाना आप, ठीक है।
ये देख सकते हैं शुभम गिल को भी आउट कर दिए, ये देखें क्या बोल्ड किए यार, जबरदस्त एरिजोना ने विकेट ले ली, ये देखें माशाल्लाह चार खिलाड़ी आउट हो गए अभी इंडिया के, अभी ज्यादा ओपन नहीं कर रही है ना फिर कॉपीराइट आ जाए, ये देखें क्या विकेट लिए यार, ये गया बोल्ड यो आउट हो गया, ये देखें अभी मैं दिखाता हूँ रन कितने हो गए, ये देखें 71 पे चार खिलाड़ी आउट, और ये बड़ी फील्ड बॉल कराई है, देख रहे हैं आप। 6 hours later गाइस फाइनली यार ईशा की नमाज पढ़ के हम आ गए, ठीक है। और सीन ये है कि यार बारिश शुरू हो गई है और मैच ना बिल्कुल ही फारिग हो गया यार, अब क्या बोलें हम, तो कभी आते हल्की बारिश होती है, कभी तेज़ बारिश होती है, तो पता नहीं है ना, अल्लाह ना करे यार कैंसिल ना हो जाए। 267 का टारगेट दिया और पूरी टीम ऑल आउट कर दी थी यार, और ईशान किशन और वो दूसरा हार्दिक पांड्या ने यार अच्छी पार्टनरशिप बनाई, वरना तो मैच हम लोग तकरीबन ले ही गए थे, विकेट हमने ले ली थी चार पहले, तो उन लोगों ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई है। 267 का टारगेट दिया है, तो अभी यार ईशा की नमाज़ पढ़ के बैठे हुए थे, हमने कहा पता नहीं मैच शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अभी देखते हैं कि यार क्या चक्कर है। अभी तक तो कह रहे हैं कि बारिश लगी हुई है, ख़बरों में भी बता रहे हैं, बाकी इधर डकी भाई लाइव आए हुए थे तो इंस्टाग्राम के ऊपर उनको भी देखा है, तो वो भी ये दिखा रहे थे कि यार अभी कवर रखे हुए थे ऊपर, तो अभी देखते हैं यार क्या बनता है, इंशाल्लाह जैसे ही मैच शुरू होगा ना फिर आपको सीन दिखाते हैं, और अभी आपको स्कोर कार्ड वगैरह दिखाता हूँ मैं। तो यार ये चेक कर सकते हैं आप लोग, देखिए 50-50% चांसेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और रन डिले देखें 266 रन लोगों ने किए थे 48.5 ओवर्स में, ठीक है। और बाकी मैं आपको इनका स्कोर कार्ड भी दिखाता हूँ ज़रा क्या है, वैसे भी आप लोग देख लेंगे लेकिन चलो मैंने कहा मैं भी दिखा देता हूँ। ये देखिए रोहित शर्मा ने 11 बनाया है, शुभम गिल ने 10, विराट कोहली 4, श्रेयस अय्यर 14, ईशान किशन 82, हार्दिक पांड्या ने बनाया 87, जडेजा ने 14 बनाया, ठाकुर ने 3, कुलदीप ने 4, बुमराह ने एंड पे थोड़ा बहुत मारा है 16 रन, और सिराज 1 पे नॉट आउट। तो इस तरह बाकी 20 एक्स्ट्रा हैं यार, देख रहे हैं आप लोग इतने ज़्यादा हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिए ना, वरना 246 रन होते। और ये देखिए माशाल्लाह शाहीन शाह ने 4 विकटें, नसीम 3, और बाकी उसने 3, रऊफ ने, बाकी सारे फारे, ये हमारे 3 बहुत अच्छे यार प्लेयर्स हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है मैच का। द नेक्स्ट डे बूम, गुड मॉर्निंग यार, तो हो गई थी हमारी, ठीक है। अभी यह है कि नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अब देखें पप्पू बच्चा मैं बन चुके हूँ, ठीक है। सुबह मैंने यार ज़रा थोड़ी सी ना वो लग रही थी रफ सी, तो मैंने कहा यार ज़रा ना काट ही देते हैं, और यार सुबह रात को हम बैठे रहे कि यार पाकिस्तान का मैच पता नहीं कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट ही नहीं हुआ, और ये था कि सारा मैच ना बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, रेन आ गई, वो बारिश हो गई थी तो डिले हो गया मैच, फिर डिले के बाद उन्होंने कहा कि जी मैच इन लोगों ने ना सस्पेंड कर दिया, तो फिर ये हुआ कि यार एक एक पॉइंट मिल गया, अब हमारा तो फ़ायदा, हम सुपर फोर में चले गए हैं, तो इंडिया ने मैच जीतना होगा नेपाल के साथ, तो होपफुली जीत जाएगा यार, वो इतना टफ कॉम्पिटिशन नहीं होगा उनके दरम्यान में, तो देखते हैं अभी क्या बनता है यार। हम तो बहुत एक्साइटेड थे कि यार पाकिस्तान मैच जीतेगा, बहुत अच्छी किस्म की बॉलिंग की थी, अब देखते हैं यार पता नहीं क्या बनता है। अभी तकरीबन टाइम हो गया है 1:30 बजे का, अभी नमाज भी हमने पढ़ने के लिए जाना है, तो नमाज़ पढ़ने जाते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। 6 hours later तो यार मैच फाइनली ख़त्म हो गया था, ठीक है। और व्हाट अ बॉलिंग बाय शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह, यार तीनों ने तबाही लगा दी है, तो बड़ी मीन मैंने देखी है, वो कहते हैं कि भाई कितने बंदे थे, वो कहते हैं सिर्फ 3, पूरी टीम आउट कर दिया था, तो ये है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया यार उसके लिए सुपर फोर के लिए, तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं कि किसके साथ होता है हमारा मैच, क्या पता हमारे पास मैच श्रीलंका के साथ हो या तो बांग्लादेश के साथ हो, वो भी पाकिस्तान में होगा, बड़ा मज़ा आएगा यार। तो आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को ब्लॉग किस तरह का लगा, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को मस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर करें यार, भाई की जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स करें, फिर इंशाल्लाह ताला हमने 1000 सब्सक्राइबर्स पे जाना है, और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहें यार। बहुत खुशी हुई आप लोगों ने सब्सक्राइब किया यार इतने ज़्यादा माशाल्लाह से, तकरीबन हमारे 432 हो गए सब्सक्राइबर्स, तो इसी तरह यार सपोर्ट दिखाते रहें।